17 का आपको टोकी N160 में नहीं मिलती थी, अब हम इसको साथ क्योंकि उसमें रबर वाला आपको ग्रिप देखने को मिलेगा, इसमें इसको जो है फ्लैट 30-70 और 17 का जो है उसमें टायर साइज आपको देखना है। साथ में यहाँ पे जो आपको ड्रोम देखने को मिलता है 130 mm का, और ये आपको RLP सेंसर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। लुक जो कि इसमें स्प्लिट सीट, ग्रैब हैंडल, ये सब जो है थोड़ा सा चेंज करके जो है फैमिली पैक बना दिया गया है इसको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास है N150 जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है, अभी क्रेज में चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी N160 आ चुकी थी, इसकी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद भी N160 में कन्वर्ट करने का क्या रीजन हो सकता है और इसमें जो है क्या क्या अपडेट हो सकता है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि जब हमारे पास N160 और N150 जो कि 10 cc का डिफरेंस फीचर्स में भी है, उसके बाद कंपनी ऐसा क्या कर दी है कि 10 cc कम करके 20,000 प्राइस कम कर देना? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में माइनस किया जा रहा है। समझने के लिए हम आपके सामने लेकर के आए N150 का वीडियो। N150 और N160 लेने का प्लान कर रहे हैं, आप एक कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में, मैं बता दूं आपको। और इस वीडियो को देख करके आप भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप भी खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, N150 या N160। उस सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन और भी कुछ हो सकता है या नहीं। इसमें जो आपको 3 कलर देखने को मिलेगा और जो N160 में थी वो आपको 2 कलर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको नंबर प्लेट लगा नेकेड है और दोनों जो है आपको सेम देखने को मिलेगा। इंडिकेटर डिजाइन भी आपको सेम देखने को मिलेगा जो कि LED में नहीं है, बल्ब में है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्टर लैंप आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको DRL लैंप देखने को मिलता है, दोनों में सेम है। जब भी चेंज होगा तो मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको जो ग्राफिक देखने को मिले व्हाइट और ब्लैक और ये जो है रेड का जो है कॉम्बिनेशन आपको ग्राफिक दोनों में से देखने को मिलता है। नीचे साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 31 mm का जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, उसमें देखते हैं तो 36 mm का आपको देखने को मिलता है। फ्रॉक की बात करें तो ट्विन कलर में आपको फ्रॉक दोनों का सेम देखने को मिलेगा, इसमें जो है व्हाइट और ये सिल्वर का जो है आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और पीछे साइड में आपको ब्लैक देखते हैं मैट ब्लैक का आपको मिल जाएगा। ABS आपको यहाँ पे स्टिकर ब्रांडिंग मिल जाएगा जो कि सिंगल चैनल ABS में है। अगर हम इसकी डिस्क की बात करें तो 260 mm का डिस्क यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 160 में देखें तो 280 mm का आपको डिस्क मिल जाता है। डिस्क सेंसर आपको देखने को मिलता है। टायर साइज की बात कर लेते हैं तो टायर साइज आपको 90-90-17 का आपको जो है टायर साइज इसमें देखने को मिलता है, उसमें 100-80-17 का आपको टायर साइज मिलता है। साथ में अलॉय व्हील आप देख पा रहे हैं, अलॉय व्हील 17 इंच का अलॉय व्हील, इसमें जो है कलर आपको जो है स्टिकर आपको रेड और ये व्हाइट का जो है स्टिकर आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में आपको पल्सर का 3D लोगो आपको देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे जो है सिल्वर और व्हाइट और उसके बाद में जो है ग्रे का जो है आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा कॉल पे। साथ में E20 अपडेट 14 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है। उसके बाद में हम नीचे आएंगे तो क्रैश गार्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कीक स्टार्ट और जो है सेल्फ स्टार्ट में मिल जाते हैं जो कि N160 में नहीं मिलती थी। अब हम इसको साथ साथ स्टार्ट करके देखेंगे, यहाँ हमने स्विच ऑन कर दिया है तो ये जो है ईजिली जो है स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और ये साथ साथ एग्जॉस्ट आपको नोट सुना दे तो मैं आपको एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे साइलेंसर है क्योंकि उसमें रबर वाला आपको ग्रिप देखने को मिलेगा, इसमें इसको जो है फ्लैट कर दिया गया है। साथ में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो है साइलेंसर देखेंगे तो मुफलर गार्ड एकदम छोटा सा साइलेंसर सेंटर में देखने को मिलता है। फुटरेस्ट गार्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट होम में हम बोल सकते हैं अल्मोनियम में व्हाइट में देखने को मिल जाएगा कलर। कार्बन फाइबर का आपको स्टिकर देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट जो है देखने को मिल जाता है। ये जो आपको काउल देख रही है, काउल का डिजाइन आपको सेम है बट थोड़ा सा जो है अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बुश साइडर जो पिलियन है उसके लिए जो रेस्ट मिल जाता है, तो ट्विन लॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपको टायर मैं आपको दिखा दूँ तो टायर में जो है 120-80-17 का आपको जो है टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। अलॉय 70 में 130-70 और 17 का जो है उसमें टायर साइज आपको देखना है। साथ में यहाँ पे जो आपको ड्रोम देखने को मिलता है 130 mm का, और ये आपको RLP सेंसर रियल व्हील लिफ्ट ऑफ आपको जो है प्रोटेक्शन सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, हगर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में ऊपर आएंगे तो ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको N150 का जो है आपको स्टिकर मिल जाएगा, और ये जो है यहाँ पे काउल पे जो है आपको ग्राफिक जो है सिल्वर और रेड का जो है आपको जो है कलर ग्राफिक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा, इसमें जो है अब जो नॉर्मल ग्रैब हैंडल है कम्यूटर बाइक की तरह आ जाती है उसमें आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम सीट भी देखें तो सीट भी इसमें नॉर्मल आपको सीट सिंगल सीट देखने को मिलता है लेकिन उसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन था। साथ में दोनों में जो है आपको
एलईडी टेल रैंप आपको देखने को मिल जाता है। साइड में इंडिकेटर आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगा। पीछे से अगर देखते हैं तो एट्रैक्टिव ऑलमोस्ट जो है आपको उसी तरीके से पीछे से देखने को मिलेगा। कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको सारी गार्ड और लेडीज को ध्यान में रखते हुए जो है उसके लिए फुटरेस दिया गया है, और जो बोट साइडर है पिलियन उसके लिए भी जो है आपका फुटरेस यहाँ दे दिया गया है। इस चीज़ का यहाँ पे काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। साथ में ये जो है थोड़ा सा आपको चेंज जो कलर है ना इसका, जो इसके वजह से जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। साथ में अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको गियर पोजीशन मिल जाता है, फाइव गियर पे ये वर्क करेगी। इंजन कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है सिंगल स्टेन में, और ये डबल स्टेन आपको मिल जाता है। बजाज का इंजन के बारे में बात की, जो कि इसके साथ बजाज की इंजन आ जाती है, उसके साथ में अगर देखेंगे तो DTSI का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में क्रैश गार्ड आपको जो है सेम देखने को मिलेगा। यहाँ आते हैं तो ABS का आपको ब्रांडिंग आपको लेफ्ट साइड में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टिकर आपको अलॉय व्हील में यहाँ भी देखने को मिलता है, और रियर में भी आपको स्टिकर आपको अलॉय व्हील में आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर हम ऊपर आते हैं तो आपने सेम जो राइट हैंड साइड का जो ग्राफिक था वो सेम ग्राफिक आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है ये ग्राफिक जो है काफ़ी अच्छी लगेगी अगर सनलाइट में अगर रखते हैं तो। एयर कूल्ड में जो है आपको मिल जाता है, और उसमें जो आपको मिल जाता है आयल कूल्ड में मिल जाती है N160, ये भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका की आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपको की मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑन करते हैं तो आपको जो है डिजिटल कंसोल मीटर जो कि सेम उसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड स्टैंड आपको मोड मिल जाएगा, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर, यहाँ पे ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, यहाँ पे आपको RPM मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ अगर देखते हैं गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाता है, साथ में यहाँ पे ओडोमीटर आपको देखने मिल जाता है, टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। ये अच्छी बात है कि रियल टाइम आपको माइलेज देखने को मिल जाता है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप कितना एक्सीलेटर का यूज कर रहे हैं। ABS आपको लोगो मिल जाता है। उसके बाद में पेट्रोल इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा जहाँ से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। हैंडल बार को देखते हैं तो इसमें आपको स्प्लिट हैंडल बार नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है पासिंग लाइट आपको बटन आपको मिल जाता है। लो बीम हाई बीम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से वर्क करते हुए। यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड हैंडल बार में। यहाँ पे इंजन स्विच ऑन ऑफ कर पाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जो है आप स्टार्ट कर पाएंगे। जो तो सेल भी आपका जो है काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। इसके इंजन की बात करें तो 149 CC का आपको जो है इंजन मिल जाता है, 14.3 BHP, 8500 RPM पे वर्क करती है। साथ में अगर न्यूटन मीटर की बात करें तो 13.5 न्यूटन मीटर, 6000 RPM पे ये वर्क करती है। जो कि अगर वो N160 को देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है BHP और थोड़ा सा न्यूटन मीटर अभी आपको एक एक पॉइंट में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। स्पीड गियर पे वर्क करती है, 45 to 48 का आपको माइलेज जो है बेटर तरीके से ये निकाल के दे देगा। अगर हम साथ में इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,40,000 आपको जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। 160 में भी अगर आप जाते थे तो 1.6 लाख आपको देखने को मिलता था अप्रोक्सली। अगर हम सीधा सीधा इसमें चेंजेस की बात कर ले तो इसमें जो है आपको जो है टायर है, टायर का साइज आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेगा रियर और फ्रंट दोनों। उसमें आपको डबल डिस्क मिल जाता है, इसमें आपको सिंगल चैनल भी मिल जाता है और सिंगल डिस्क भी देखने को मिल जाता है। उसमें ड्यूअल चैनल और ड्यूअल डिस्क देखने को मिलता है फ्रंट और रियर। उसके बाद में इंजन की हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो है आपको बजाज का इंजन देखने को मिल जाता है, उसमें आपको DTSI का इंजन मिलता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें जो है सेल्फ स्टार्ट कीक स्टार्ट दोनों मिल जाता है, पर अगर हम कीक को यो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस तरीके से जो है अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको जो है हमें ऊपर करके जो है अप्लाई करना पड़ेगा जब भी अप्लाई करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है कि इस प्लस पॉइंट कि आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक इसमें मिल जाता है डिस्क के जगह में, पर RLP सेंसर मिल जाता है, जो कि RLP सेंसर आप समझते हैं रियर लीव टॉप प्रोटेक्शन है। जब भी आप ब्रेक लेते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके गाड़ी को उठने नहीं देती है या फिर स्लाइड करने नहीं देती है। ABS और ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बेटर जो कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरी चीज़ कि अगर हम और भी चेंजेस की बात करें तो ये जो है आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है आप चेंज देख सकते हैं कि क्या क्या चेंज देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड से जो ऑलमोस्ट। ये आपको टेलीस्कोपिक की थोड़ा सा जो है पतला इसमें देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा सा आपको मोटा देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर लाइट वगैरह आपको जो है सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलता है। प्राइस की बात रही तो 20,000 का जो है आपको प्राइस देखने को मिलता है ज़्यादा। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm देखने को मिलता है, जो कि दोनों भी आपको सेम देखने को मिल जाता है।
सेल्फ स्टार्ट की के स्टार्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसकी जो वेट है वो 145 केजी मिल जाती है, जो कि अप्रोक्सी किसी भी गाड़ी को देखते हैं स्पोर्ट बाइक में तो ये 145 से 50 केजी के बीच में मिलता है। कि हाइट की बात है तो 5.7 के अकॉर्डिंग जो है इस तरीके का आपको हाइट मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट जो किसी गाड़ी का आती है वो लगभग इसी हाइट मिल जाता है। अब जो बॉडी का आपका स्ट्रक्चर है वो आप इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि ठीक है, काफ़ी मतलब आपको ज़्यादा जो है डाउन में नहीं जाना पड़ता है, जो कि बाकी गाड़ी में आपको जाना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये आप मूव कर पाएंगे, पर उतना भी बेटर नहीं मूव कर पाएंगे क्योंकि स्पोर्ट बाइक है, स्पोर्ट बाइक को इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि P150 ऑलमोस्ट जो है कम्यूटर बाइक के तरह डिजाइन थी उसको, तो डिजाइन में जो है थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, तो आपको ये सब का परेशानी का सामना थोड़ा सा करना पड़ेगा। N160 में काफ़ी अच्छा लुक मिला है क्योंकि यंगर जो है काफ़ी उसको पसंद करते थे, पर यहीं पे उसी लुक को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है P150 से बेटर लुक और N160 के सिमिलर लुक, जो कि इसमें स्प्लिट सीट, ग्रैब हैंडल, ये सब जो है थोड़ा सा चेंज करके जो है फैमिली पैक बना दिया गया है इसको ऑलमोस्ट, क्योंकि माइलेज भी आपको बेटर मिल जाता है इसमें। दूसरी चीज़ है कि इसका जो प्राइज है वो प्राइज आपको कहीं ना कहीं जो है 20,000 रुपया माइनस करके 140 प्राइज का। हम बात करते हैं कि इस गाड़ी को मार्केट में लाने का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि N160 है और P150 होने के बावजूद भी जो है इसको N150 में लाने का क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ P150 वो जो है मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, इसीलिए क्योंकि उसका जो डिजाइन था, लुक था, वो जो है थोड़ा सा बेटर नहीं मिलता है और N150 का जो है लुक आपको हमेशा से बेटर मिला। तो पल्सर का जो 150 आपने जो है वही पुरानी वाली सेम प्राइस सिमिलर प्राइस में वही लुक पुरानी काफ़ी टाइम से यूज करते आए हैं, लोगों का एडिक्शन था कि अगर इस प्राइस रेंज में पल्सर को छोड़ करके बाकी ब्रांड में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे कंपनी ने इसको ला करके जो है लोगों का एडिक्शन अपने तरफ खींचा है और कुछ भी नहीं है, कॉस्ट कटिंग करेगी क्योंकि 20,000 आप लोगों को कम कर दिया, इसीलिए जो आपको टायर साइज, इंजन या फिर डिस्क या फिर ABS ये सब जो है कुछ भी माइनस करके जो है आपको कॉस्ट कटिंग किया गया है यहाँ पे। तो गाइज मैं अभी हूँ तिरुपति ऑटोमोबाइल्स में, जो कि सियावलपुर NH28 मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर में है। N150 नई गाड़ी है, तो मैं आपको एक मैसेज दे दूँ, उसमें मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके का रिव्यू रहा है मेरा N150 से रिलेटेड, साथ में हमने आपको बताया, आई होप कि आपने समझ गए होंगे कि N150 लेना चाहिए या फिर N160 या फिर इससे बेटर था P50। जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। क्या है गाइस कि एक वीडियो को बनाने के लिए हमारा जो है काफ़ी टाइम लगता है, इसके बारे में जानकारी लेना, फिर शूट करना, फिर एडिटिंग करना इस तरीके का, उसके बाद जो है हम आपके लिए लेकर के आते हैं सिर्फ 10 मिनट का वीडियो ताकि आप इजी तरीके से समझ पाए। तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।